हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन ऑफ BGMI गेम प्लेज। यानी कि एक और बार वापस आ चुके हैं हम लोग BGMI की बैटल ऑन मोबाइल इंडिया की एक और नई सुहानी शाम के अंदर। दिन तो हो ही नहीं रहा बेसिकली यहाँ पर, बट शाम हो रही है काफ़ी ज़्यादा। एंड गाइस इस वाली गेम प्ले के अंदर भी देखो यार, लास्ट तक देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और मैंने काफ़ी ज़्यादा किल्स वगैरह निकाले हैं इस बार, पहले से ज़्यादा बटोरे हैं किल्स तो। एंड नॉर्मली तरीके से मतलब काफ़ी हद तक बढ़िया गेम प्ले बनाया है, ठीक है। आप लोग ज़रूर से देखो इसको वीडियो को एंड तक। एंड भैया यहाँ से अभी जो है ना मतलब बातचीत हो रही थी कि ये जना आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, पुशअप्स वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो लगा लो क्या दिक्कत आ रही है। तो भैया यहाँ से हम लोग आए और सीधा हमने सोचा कि जोरजो पुल के भी उधर जाते हैं, क्या दिक्कत है, जोरजो पुल में अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी। तो लगे भैया हम उधर जाते हैं जोरजो पुल पर। तो यहाँ से भैया हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े प्लेन जैसे मतलब पहुँचा, पता नहीं कौन सा नाम था ये मैप की स्टार्टिंग के अंदर, जहाँ पे बंदे कभी उतरते नज़र तो आए नहीं है, बट फिर भी मैप के अंदर है एक जगह ऐसी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार अभी जोरजो पुल के लिए मतलब स्टार्टिंग हो ही रही थी कि मैंने यहीं पे जंप कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहीं पे उतरना था, काफ़ी अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है और हमारे साथ उतर जाती है काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड मीन, यानी कि अभी यहाँ पे एक दो स्क्वाड निकल जाती है मेरे साथ, जो मैं मतलब अलर्ट कर देता हूँ कि बंदे यहाँ पर उतर रहे हैं, संभल के रहना थोड़ा सा भैया, संभल के रहना क्योंकि कुत्ता कचहरी हो सकती है बहुत ज़्यादा वाली, तो वो बंदे भी मतलब मज़े में ठीक है हो जाएगी। इतने में हमारा एक जो टीम मेट था वो पता नहीं क्या ऑफलाइन हो गया था, क्या दिक्कत हो गई थी जनाब को, तो वो मतलब ऑफलाइन हो गया था पूरी तरीके से। तो यहाँ पर भाई हम उतरते हैं सीधा एक थ्री बिल्डिंग वाली जो मतलब स्क्वाड हाउस किसी भी कुछ भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर मतलब तीन बिल्डिंग्स की होती है जो भी इसके अंदर ऊपर जो अपार्टमेंट टाइप होते हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर उतर जाते हैं हम। एंड अपार्टमेंट में उतरने के बाद भैया मेरे को तो मिलता है क्रोबार एंड थोड़ी सी एक पिस्टल की एमओ वगैरह मिल जाती है, हीलिंग्स वगैरह मिल जाती है। और यहाँ थोड़ा सा लैग गेम जो मेरा लैग हुआ था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, तो इसलिए भाई मेरे जॉयस्टिक भी काम करना बंद हो गया, कभी इधर उधर कर रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके लूट वगैरह लूटी और यहाँ पे मेरे को एक बॉट मिल जाता है, UMP मेरे पास थी, मैंने कहा चल भैया इसको पहले नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद फिर इसको फिनिश करा। फिनिश मैंने अंदर रहते ही करा क्योंकि पता चला कि मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ, कोई मेरे को फिनिश कर दे। तो भैया उसको फिनिश करके उसकी लूट वगैरह लूटी, फिर से मिली यहाँ पर, फिर मैं आया यहाँ पे, दो बॉट आपस में लड़ रहे थे। तो भैया मैंने इनको भी चमका दिया, तीन किल इसलिए मिले क्योंकि मैंने बीच में भी एक बॉट को चमका दिया था बीच में, तो उसका एक किल मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो वो तो मतलब सामने से आके मेरे ऊपर आके आक्रमण करना चाह रहा था, तो उसको तो मैंने वैसे ही मार दिया था। फिर यहाँ से मैंने चाहिए था कि इस रोड पे ही मिल जाता है, यहाँ से उसको तीसरे वाले को लूट के आया, तो यहीं चौथा मिल गया। और चौथे के बाद जो भैया पांचवा जो बंदा मिला ना, उसने बहुत खतरनाक मारा मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट मर ही जाता मैं, थोड़ा सा बच गया। यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे मैंने, और गन साउंड भी आ रहा था, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं यहाँ पे चेक करते हैं। तो मेरे को बंदा नज़र तो आ गया, इतने में वो बंदा इधर कूद के आ गया, मैंने थोड़ी देर टाइम यहाँ ना भाई, उस बंदे ने मेरे को इतना गंदा चमका दिया ना कि मेरी HP थोड़ी सी बची थी कुछ भी दो के आसपास, फटाफट मैंने हील वगैरह करने के बाद भाई यहाँ पर हम आते हैं जोरजो पुल के उस साइड जाने के लिए। बट यहाँ पर पता चला कि भाई पूरी स्क्वाड भरी पड़ी है यहाँ पे, तो और मस्त एकदम गोलियाँ चला रही हैं, और ये बंदा कह रहा है कि जिंदा रश करते हैं। मैंने कहा रहने दो, पूरी स्क्वाड और हम दो बंदे हैं, और तेरे को देख के लगता नहीं है कि तू इतना गंदा मार पाएगा उनको। तो मैंने कहा चल कोई नहीं वापस चलते, और पीछे से गोलियाँ चली रही थी कि मैं लेट गया एकदम से। फिर एक बंदा जो आता है मतलब सामने से गोलियाँ चल रही थी, फिर एकदम बॉट आता है यहाँ पर, एक बॉट इसको मारना का मतलब पहले नॉक कर दिया एक एम से एक ही बार में, फिर थोड़ा सा फिनिश भी कर दिया लगे आते इसको, और इसकी लूटने के चक्कर में भाई इतना मतलब बड़ा डैमेज पड़ा ना मेरे को, देखो जाओ बस देखते जाओ क्या हुआ था मेरे साथ। यहाँ से भाई हम जा ही रहे थे कि जस्ट ये बंदे को पता नहीं क्या चुल्लू ही कहने के लूट वूट कर लेते, मैं चल तू लूट रहा तो मैं भी लगे हाथ लूट ही रहता हूँ। मैंने भी एक स्मोक ग्रेनेड मार दिया इधर ही, ताकि भाई उनको पूरी लोकेशन मिले ही ना। अब किस्मत जब इतनी ज़्यादा ख़राब हो ना तो कुछ कर ही नहीं सकता इंसान, किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब कि जैसी मैं यहाँ पे गया ना, तो उसका तो पता नहीं मेरे को बड़ा गंदा डैमेज हुआ और मैं दो तीन गोलियों में नॉक। वाह, अभी मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया एकदम से, भाई गया था लूटने के लिए, लुट कर आ गए उल्टी तरीके से। फिर जैसे तैसे करके मेरा टीममेट जो मतलब यहाँ घर के पीछे आ जाते, क्योंकि वो तो दूसरी साइड था, उनको रश करने में भी टाइम लगता, पानी से इधर आते तब भी। जैसे तैसे करके मैं रिवाइव होने के बाद भैया पूरा का पूरा हील वगैरह करा, इस वाले घर के अंदर आया, हील करके जो है फिर मैं चला जाता हूँ सामने वाले घर के अंदर। वहाँ तो बेसिकली उस वाले मैच में मैं जोन से मारा जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दूसरी बार अपने दोस्त सागर के साथ इसी जगह पे, यानी कि फिर से आ जाता हूँ मैं अपने जोरजो पुल के इस साइड में। और यहाँ पे भैया इस बार बैठा हुआ था एक बंदा, जो कि मतलब एक मेरे हाथ में तो DP और उसके हाथ में DPS जो भी होते हैं DSB आई थिंक कहते हैं इसको, DBS जो भी उसका नाम है,
और यहाँ पर भैया इसको मारने के बाद एक बॉट मिलता है तो उसको भी हमने चमका दिया, क्योंकि हमारे पास जो डीएसबी डीबीएस जो भी है मतलब जो भी है वो शॉट गन एंड एकेएम थी। एकेएम को मैंने भैया यहाँ पर एक बंदा था जो हमको मार रहा था, बट डीपी को छोड़ के फिर मैंने उसके बंदे से जो है पेटी से एक एकेएम लूट ली थी। एकेएम लूटने के बाद एक बॉट यहाँ पर मिला, इसको भी चमका दिया, इसको चमकाने के बाद 3 किल मिले। और ये जो किल था ना भाई, ऐसा मैंने पहली बार अपनी लाइफ में करा था पबजी लाइफ में कि नेड से किसी मैंने बंदे को टपकाया हो भाई, कसम से पहली बार मेरे को 1 किल मिला था नेड के थ्रू। तो देखते जाओ भाई, 4-3-2-1 अभी नेड फटेगा और देखो भाई 4th किल मिल गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। मतलब पहली बार मैंने नेड से किसी बंदे को मारा था ऐसे भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो लेफ्ट पिक लेके मैं जो कसम से ये बंदा मतलब पूरा सांप बन के घूम रहा था इधर से उधर, इसको भी फिनिश कर दिया हमने। चलो कोई बात नहीं, इसको फिनिश करा, आगे बढ़े। और इस वाले मैच में पता नहीं क्यों मेरे जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, कभी कभी हो जाता है बट कभी कभी नहीं हो पाता, तो फ़ोन के इशू आते रहते हैं, छोटा फ़ोन है ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं देख ही रहा था कि भाई जोन आ गया, बट उतने में एक बंदा और नज़र आ जाता है, तो जिसको मैं यहाँ से मारता हूँ एंड देन रिलोड करता हूँ, फिर अपनी यूज ही निकाल के इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ नॉक करने के बाद। इतने में भाई जोन भी जस्ट आ ही रहा था पीछे पीछे कि एक बंदा यहाँ से एक बॉट जो एक यहाँ से भी चमकाना शुरू करता है, तो इसको मारा। इसको मारने के बाद भाई रिलोड लेने के लिए अंदर गया, और रिलोड लेके जैसे ही अंदर गया ना भाई साहब कसम, बाहर आके मैंने लूटा M4 वगैरह इसके पास पड़ी थी, तो मैंने M4 वगैरह फटाफट उठाई और मैं जा ही रहा था कि जस्ट, क्योंकि जोन मेरे कतई सर के पीछे आ चुका था, तो मैं जाने वाला था कि जस्ट मेरे को एक बॉट और नज़र आ जाता है यहाँ पे। उस बॉट को भी भाई मैंने चमका दिया अच्छे से, एकदम मस्त चमकाया एंड भाई जोन इतनी तेज़ी से आया ना, मतलब पूरा जोन में फंस गया, क्योंकि पहले तो यहाँ पे मैंने एक आधा किल निकाला, फिर यहाँ पे जोन में मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम हो गई धीरे धीरे कि मैं हील करने लगा, तो भाई सामने से एक बंदा आया और सीधा रश करके मार डाला। बस बात खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।